एमएस वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट, हमने जो अपना एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर जिसमें हम काम करते हैं उसका डॉक्यूमेंट हमने प्रिपेयर किया, डॉक्यूमेंट बनाया। उस डॉक्यूमेंट में आप कौन कौन से ऑब्जेक्ट उसमें इंसर्ट कर सकते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे हाउ वी कैन इंसर्ट अ टेबल एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ टेबल। एक एमएस डॉक्यूमेंट में टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं और उसका प्रॉपर्टीज क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है स्टार्ट कंप्यूटर, क्रिएट डॉक्यूमेंट, एंड सेव डॉक्यूमेंट। आपने अगर स्टार्ट करना है एमएस वर्ड के अंदर एक डॉक्यूमेंट बनाना है और उसको सेव करना है। थर्ड ऑफ क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब के ऊपर आपने क्लिक करना है और वहां से आपने चूज करना है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल में जब आप क्लिक करोगे तो यहां पे आपने एंटर प्रेस करना है। जैसे आप इस पे एंटर प्रेस करोगे इंसर्ट टेबल पे, इंसर्ट टैब पे आपने क्लिक किया, इंसर्ट के बाद आपके पास आ जाएगा टेबल ऑप्शन और टेबल के बाद आपके पास क्या आ जाएगा इंसर्ट टेबल। जैसे इंसर्ट टेबल पे क्लिक करोगे तो ये आपको डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पे लिखा होगा नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ कॉलम आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे कितने, मैं यहाँ पे 7 रो और 7 कॉलम इंसर्ट कर रहा हूँ, 7 रोज एंड 7 कॉलम। देन प्रेफर्ड कॉलम ऑटो, यहाँ पे तीन ऑप्शन आएंगे, इसमें आपने तीनों में ऑटो ऑटो यूज कर ऑटो ओके कैंसिल। यहाँ पे आपने नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बना लिए। नंबर ऑफ रोज का मतलब क्या है, उसके वर्टिकल कॉलम कितने हैं, ठीक है, और रोज का मतलब क्या है उसके हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है, उस टेबल में हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है और वर्टिकल लाइंस कितनी है। जितने वर्टिकल लाइंस होंगे उन्हें क्या बोलेंगे कॉलम। जैसे मेरे पास ये टेबल हो गया, ये मैंने टेबल इंसर्ट करना है तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 तो ये कॉलम C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, ये 7 कॉलम हो गए हमारे पास। हमारे पास ये रोज में डाल रहा हूँ इधर, ये जो आपके वर्टिकल्स की या हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इनको बोलते हैं रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5, रो 6 एंड रो 7। जैसे जैसे मैंने मेंशन किया हुआ है कि 7 रो होना चाहिए और 7 कॉलम होना चाहिए, तो आपके पास जो ये वर्टिकल लाइंस है इनको कॉलम बोलते हैं और जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है क्या बोलते हैं रो, और ये जो आपका सिंगल है इसे क्या बोलेंगे सेल। सिंगल को क्या बोलते हैं सेल। हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या है आपके रोज और वर्टिकल्स कॉलम्स। सेल की डेफिनेशन क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, जहां भी ये दोनों एक दूसरे को प्लस करके काटती हैं उसे क्या बोलते हैं ये कॉलम। ये सारे के सारे क्या है कॉलम। ये हमारे पास क्या है रोज और कॉलम जब इंटरसेक्ट होंगे तो क्या बन जाएगा एक सेल, और सेल को अगर हॉरिजॉन्टली लगाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास रो, और उसको वर्टिकली लगाएंगे तो क्या बन जाएगा कॉलम। अगर एक एक सेल करके, जैसे आपके एक ऑडिटोरियम के अंदर एक रो के अंदर अलग अलग चेयर रखी हुई है
ये चेयर आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे उसे हम क्या बोलेंगे रोज, और ये वर्टिकल लाइन बनाएंगे उसे हम क्या बोलेंगे रोज एंड तीन ऑप्शन आएंगे आपने यहाँ पे ऑटो ऑटो डालना है प्रेफर्ड कॉलम लिखा होगा प्रेफर्ड कॉलम ऑटो मतलब इसका जो लेंथ और वेट थोड़ा हाइट देना है वो ऑटोमेटिकली करें अगर इसकी देखिए यहाँ पे सबको क्या हो गया डाउट है चले आगे एफर्ट कॉलम वेट इसे क्या बोलेंगे वेट जो आप इसे चेंज करें जो आप इंसर्ट टेबल करोगे तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम कितने करोड़ चाहिए उसके बाद ओके क्लिक करोगे तो आपका सी टेबल बन के आ जाएगा जितने रो आपने लगाए होंगे कितने कॉलम बनाए जब हम टेबल पे यहाँ पे एक स्केयर बनेगा हल्का सा छोटा सा स्केयर बनेगा जब आप इसको माउस पॉइंटर पे लेके आओगे तो आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है राइट क्लिक ऑन टेबल टॉप लेफ्ट ये वाले इस पॉइंट पे ऐसे करके सा बनाना है इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टी को चूज करना है प्रॉपर्टी जैसे ही प्रॉपर्टी से क्लिक करोगे तो आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है यहाँ पे यहाँ पे आपके चार अलग अलग टैब बने होंगे टेबल रो कॉलम और सेल सबसे पहले हमने इसको सेट किया हुआ है टेबल के बारे में दिखाएगा जो आपने यहाँ लिखा हुआ है उसका अलाइनमेंट क्या है यहाँ पे तीन तरह का अलाइनमेंट देगा सेल का अलाइनमेंट जो आप सेल के अंदर लिखोगे यहाँ पे जो अलाइनमेंट है वो आपका लेफ्ट अलाइनमेंट आपने रखना है सेंटर अलाइनमेंट रखना है या राइट अलाइनमेंट रखना है नीचे आ जाएगा रैप नन अगर आपने रैप किया रैप सेल रैप रैप द कंटेंट यस यहां पे यस
रैप का मतलब क्या है, क्योंकि आप लिखते हो रैप, यस क्या है यहाँ पे अराउंड लिखा हुआ, अराउंड तो भी हम टेबल की प्रॉपर्टीज कर रहे हैं यहाँ पे, टेबल पे क्लिक करेंगे, आपने कॉलम के अंदर जो लिखना है, जो आपने सेल के अंदर लिखना है, जो लिखना है वो लेफ्ट अलाइनमेंट होना चाहिए, सेंटर अलाइनमेंट होना चाहिए, इट इज योर लेफ्ट सेंटर राइट, ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, सेंटर अलाइनमेंट है या राइट अलाइनमेंट है, तो आप इसे कोई भी यूज कर लो, बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है, लेफ्ट होता है, हम इसको सेंटर में कर सकते हैं, मैंने इसको सेंटर में यूज किया है, रैप करना है तो आप रैप पे क्लिक कर दो, यहाँ पे रैप सेट हो जाएगा, जो चीज आपने चाहिए इसको सेट कर देंगे, यहाँ पे करते ही ओके कैंसिल आ जाएगा। ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज आ गई टेबल की, दो ऑप्शन हो रहता है इधर, बॉर्डर शेडिंग, बॉर्डर शेडिंग और एक कॉलम अलग से बना हुआ ऑप्शन, ये हमारे पास वेरियस प्रॉपर्टीज हैं टेबल के बारे में, जो आपने इसके ऊपर कंटेंट डाले हैं ये वाले, जो आपने सेल सेलेक्ट की हुई है उस सेल का अलाइनमेंट लेफ्ट होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए, राइट होना चाहिए, रैपिंग अराउंड में रैपिंग करना है या नहीं करना है, उसके बाद नंथ और अराउंड, बॉर्डर शेडिंग एंड ऑप्शन, बॉर्डर शेडिंग क्या है, हमारा जो ये वाला इसका बॉर्डर है इसकी हमारे पास अलग अलग प्रॉपर्टीज है, अभी उसके बारे में डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ बॉर्डर, बॉर्डर एंड शेडिंग, बॉर्डर एंड शेडिंग, तो प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ टेबल, हमारे पास पहला था टेबल, अभी हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड इज रो, रोज का प्रॉपर्टीज क्या है, कॉलम का प्रॉपर्टीज क्या है और हमारा सेल का प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे हमारे पास ये एक रो है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, ये कॉलम की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए और हमारे पास जो ये सेल है इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, वेरियस प्रॉपर्टीज जो हमें इसमें सेट करनी है, सबसे पहले हमारे पास आ गया रो की प्रॉपर्टीज, इसकी हाइट कितनी रखनी है, हाइट को हम डाल सकते हैं सेंटीमीटर में, जो आपने हाइट डालनी है वो सेंटीमीटर में आएगी, आप इसको डाल सकते हैं 0.5 सेंटीमीटर, 0.6 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, तो आप जितना भी इसका हाइट रखना चाहते हैं, हाइट ऑफ रो, ये रो का हाइट है, ये हाइट, दिस इज रो हाइट, अगर आप चाहते हो सभी कॉलम 1 से लेके 7 तक रो है, ये रोज हमारी 1 से लेकर 7 तक है, ये इसकी हाइट है, अगर हम इसकी सारी की सारी रोज की हाइट एक जैसी करना चाहते हैं, बराबर करना चाहते हैं, यहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर करेंगे और यहाँ पे चूज करेंगे एग्जैक्टली, जैसे एग्जैक्टली चूज करोगे तो सबकी जितने भी हमारे पास रोज हैं सबकी क्या आ जाएगी यहाँ पे सेम 0.5 सेंटीमीटर की क्या आ जाएगी हाइट आ जाएगी, और प्रीवियस सेक्शन मतलब अगर हम एक एक कॉलम के अलग करना चाहते हैं, एक एक रोज के अलग करना चाहते हैं, तो नेक्स्ट नेक्स्ट करके हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आपने जो सेलेक्ट करना है यहाँ पे हम रो की हाइट बता दें, रो रो के बारे में दो प्रॉपर्टीज है हाइट एंड हाइट एट एटलीस्ट और एग्जैक्टली, आपने यहाँ पे चूज करना है एग्जैक्टली, और यहाँ पे आपने हाइट डाली है 0.5 सेंटीमीटर, तो जितनी भी रोज है 1 से लेकर 7 तक सबके लिए सेम अप्लाई हो जाएगा, ओके करेंगे ये चीज के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। सेकेंड, अब हम कॉलम की बात करते हैं, बड़ा सा प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलम, वी हैव अ 1 to 7 कॉलम, हमारे पास कॉलम है 1 से लेकर 7 तक, ये वाले कॉलम, तो कॉलम की हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी है इसे बोलते हैं विड्थ, विड्थ ऑफ कॉलम, तो ये कॉलम की आपने यहाँ पे डाल दी है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है, हमारे पास सेम आएगी सेंटीमीटर में और परसेंटेज, हम यहाँ से दो चीजें डाल सकते हैं, या तो सेंटीमीटर में यूज कर सकते हैं या परसेंटेज में, परसेंटेज हमारा स्क्रीन रेजोल्यूशन के हिसाब से चलेगा कि कितने परसेंट हमने डाल दिए, विड्थ विड्थ आपने कितनी लेंगे सेंटीमीटर में, ये मेजरिंग किसमें मापनी है, सेंटीमीटर में मापनी है या परसेंटेज में मापनी है, आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो सेंटीमीटर में आएगी या परसेंट में आएगी, मेजर्स इन,
मेजर्स इन, मेजर्स इन, एल ई ए एस यू आर ई एस, मेजर्स इन सेंटीमीटर या परसेंट, रेडियस नेक्स्ट। अगर एक ही कॉलम में आप अलग अलग डालना चाहते हैं तो उसमें अलग अलग रेंज में रेफर कर सकते हैं। अभी हमने सबके लिए सेम कर दिया, परसेंटेज सेंटीमीटर रख दिया यहाँ पे। रेडियस नेक्स्ट ओके कैंसिल। जैसे आप ओके करोगे तो ये चीज के ऊपर अप्लाई हो जाएगी आपके टेबल के ऊपर जो आपने टेबल बनाया होगा। थर्ड सेल, जब हम सेल की बात करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, तो ये हमारे पास एक सेल है। तो सेल की आप विड्थ दे सकते हैं सेम, जैसे हमने लास्ट में दिया था यहाँ पे विड्थ, यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं विड्थ। ये सेल का विड्थ सेम है, यहाँ मेजर सीन सेम आ जाएगा, एग्जैक्टली कर सकते हैं या सेंटीमीटर परसेंटेज, सेंटीमीटर और परसेंटेज आपके पास आएगा ये। तो आप यहाँ पे सेंटीमीटर चूज कर लिया आपने, 0.5 कर लिया। जब अब यहाँ पे टेक्स्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको तीन तरह के ऑप्शन मिलेंगे, जो आपने सेल के अंदर लिखना है वो टॉप में लिखना है, सेंटर में लिखना है या बॉटम में लिखना है। तो आप सेल के अंदर तीन तरह से लिख सकते हैं, या तो आपका टेक्स्ट कहाँ पे लिखा जाए, टॉप से शुरू हो या सेंटर से शुरू हो या आपका बॉटम से। तो आपने, मैंने इसको सेंटर में चूज कर लिया, जो भी आप लिखोगे वो यहाँ पे लिखा जाएगा। जैसे इसे मैंने लिख लिया जे ए एन यू ए आर वाई जनवरी, तो ये सेंटर में लिखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इसको क्या चूज किया है, सेंटर। जैसे हम ओके प्रेस करेंगे ये सारी चीज इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे टेबल की अभी प्रॉपर्टीज देखी है, जिसमें प्रॉपर्टीज हमारे पास टेबल की प्रॉपर्टीज आ गई, रोज की प्रॉपर्टीज आ गई, कॉलम की प्रॉपर्टीज आ गई और सेल की प्रॉपर्टीज आ गई। जब हम सेल की बात करते हैं तो ये वर्टिकल की बात पूछेगा, वर्टिकल में टॉप में जाएगा, सेंटर में जाएगा या बॉटम में जाएगा। और जब हम टेबल की बात करेंगे तो ये बताएगा जो आपका सेल है उसके अंदर आपने जो लिखना है वो लेफ्ट में लिखना है, सेंटर में लिखना है या राइट में। जैसे हम टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास टेबल की जो प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे टेबल की प्रॉपर्टीज में हमारे पास एक ऑप्शन आता है बॉर्डर शेडिंग। क्या ऑप्शन आता है? बॉर्डर शेडिंग। जैसे हम बॉर्डर शेडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास ये नया बॉक्स आपको दिखाई देगा, जिसके अंदर तीन ऑप्शन है, बॉर्डर, टेल बॉर्डर एंड शेडिंग। वी हैव थ्री डिफरेंट ऑप्शंस, बॉर्डर, टेल बॉर्डर एंड शेडिंग। टेल बॉर्डर के बाद हमारे पास तीन डिफरेंट तरह की सेटिंग है, सेटिंग, स्टाइल एंड प्रीव्यू। सेटिंग में हमको दिखाएगा कि हमने कौन सा बॉर्डर चूज करना है। सबसे पहले हमारे पास है नन, हमारा जो टेबल है उसका कोई भी बॉर्डर नहीं आएगा, सारा सारा बॉर्डर हट जाएगा उसका, ठीक है। सेकंड क्या है, बॉक्स, केवल आउट वाला बॉर्डर होगा हमारे पास, ये केवल बाहर की बाउंड्री का बॉर्डर होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, बॉक्स। अगर हम आर की बात करते हैं ये हमारे पास सारा बॉर्डर आ जाएगा, और में ये सारा दिखा देगा, अंदर की लाइनें भी, बाहर की लाइनें भी, वर्टिकल लाइन भी, हॉरिजॉन्टल लाइन भी, और बाहर का सारा डेटा देगा, गेट में सारी दिखा देगा आपको। कस्टम में जो हम अपने यूज करना चाहते हैं सेटिंग वो भी अपनी डाल सकते हैं। स्टाइल, आपने जो बॉर्डर देना है वो डॉटेड देना है, आपके पास कई तरह के स्टाइल है, आप डॉटेड दे सकते हैं बॉर्डर इस तरह से। सेकेंड, आप पूरी लाइन दे सकते हैं, थोड़े बड़े वाले बड़े डायरेक्ट छोट के साथ लाइन दे सकते हैं, स्टाइलिश लाइन दे सकते हैं, ये बॉर्डर के डिफरेंट स्टाइल्स है। कलर, अगर आप चाहते हैं आप बॉर्डर का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कलर चूज कर सकते हैं, आपके पास एक कलर पैलेट आ जाएगी। कलर पैलेट में से आप डिफरेंट कलर चूज कर सकते हैं और ये इसके बॉर्डर के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। प्रीव्यू में क्या दिखाता है, जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये केवल इसकी इस वाली लाइन के ऊपर इसको कलर अप्लाई करेगा, जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये सिर्फ इसको सेलेक्ट करेगा। तो आप पर्टिकुलर पूरे टेबल के अंदर जहां जहां अप्लाई करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये उसको प्रीव्यू दिखाना शुरू कर देगा, तो वहां पे अप्लाई हो जाएगा। विड्थ, अगर आप कलर का यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स चूज कर सकते हैं, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, दीज आर द विड्थ, विड्थ ऑफ बॉर्डर। जो टेबल का आपने बॉर्डर बनाना है उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, तो विड्थ आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं बॉर्डर ज्यादा चौड़ा है आपका, बहुत मोटा बॉर्डर है, तो यहाँ पे इसको बढ़ा दो, तो आप अलग अलग तरह की यहाँ से विड्थ सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ओके करेंगे, अप्लाई टू टेबल, यहाँ पे पूरे टेबल के ऊपर अप्लाई करना है, एक सेल के ऊपर अप्लाई करना है,
या पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई करना है या टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना है, इन चारों में से कोई ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। तो अगर टेबल में अप्लाई करते हैं, मैं यहाँ पे ऑप्शन यूज कर रहा हूँ टेबल, तो पूरे टेबल के ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा। बॉर्डर, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं बॉर्डर की, और ये सिर्फ टेबल के बॉर्डर की बात हो रही है। तो सेम ऑप्शन आपको कहाँ मिलेंगी, पेज बॉर्डर में, पेज बॉर्डर में सेम ऑप्शन मिलेंगे आप, ठीक है। बस उसमें क्या आएगा, ये नहीं आएगा नन बॉक्स ऑल ग्रिड कस्टम नहीं आएगा, बाकी सब आ जाएगा, स्टाइल आ जाएगा, कलर आ जाएगा, ब्रेथ आ जाएगी। जब आप पेज बॉर्डर की बात करोगे तो यहाँ पे एक अलग से कॉलम आएगा सिर्फ आर्ट, ए आर टी आर्ट। आर्ट में आपके पास वेरियस पिक्चर्स आएंगे इसमें बॉर्डर के ऊपर, आप इसमें डन कोई बॉर्डर ना लगाए, बॉक्स लगा सकते हैं, आर लगा सकते हैं, ग्रेड लगा सकते हैं। तो ये पेज के ऊपर अप्लाई होगा सेम बॉर्डर में, इसमें प्रॉपर्टी में डिफरेंस का आएगा, यहाँ पे आर्ट आ जाएगा, आर्ट एक आर्ट प्रॉपर्टी आएगा। आर्ट प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, कंप्यूटर के अंदर हमारे पास रेडीमेड बॉर्डर है, जैसे अभी आप ग्रिड लाइन देख रहे हैं यहाँ पे, ये बोर्ड का ग्रिड लाइन है ये, ठीक है, इसमें सेंटर में एक लाइन आ रही है। तो ये डिफरेंट जो स्टाइल है वो कहाँ मिलेंगे आपको, आर्ट में, आर्ट में सिलेक्ट करोगे तो आपको डिफरेंट तरह के स्टाइल्स मिल जाएंगे, कहीं रेड कलर आएगा, ब्लू कलर आएगा, कहीं पट्टी बनी होगी, कहीं पे डिजाइन किया होगा, कहीं पे बेल बना हुआ, तो अलग अलग जो आपके स्टाइल्स हैं वो कहाँ से आएंगे, आर्ट से आएंगे। तो ये आप अलग अलग तरह के स्टाइल को पेज को, पेज के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, ये पूरे पेज के ऊपर होगा, पेज की बॉर्डर पे आएगा, मतलब आपका जहाँ से लेफ्ट मार्जिन शुरू होता है राइट, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, ये पूरे मार्जिन के चारों तरफ आपको एक बॉर्डर नजर आना शुरू हो जाएगा। अब यहां पे आ जाएगा अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट, अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट, तो ये पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट, अगर आपके डॉक्यूमेंट के अंदर 10 पेजेस हैं तो ये 10 के 10 पेजेस पे अप्लाई हो जाएगा सेम, एक बार में आपने पूरा इसके ऊपर अप्लाई कर। नेक्स्ट इज अवर पेज बॉर्डर एंड बॉर्डर, देन वी हैव शेडिंग, येलो शेडिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेडिंग, जब हम अपने टेबल बनाएंगे तो टेबल में जो सेल है वो आपके टेबल का बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ सेल, इस सेल का या टेबल का बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, तो हम कैसे चेंज करेंगे इसको, शेडिंग पे क्लिक करेंगे, शेडिंग में जहां पे आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं, जैसे इसके ऊपर आप डाउन एरो पे क्लिक करोगे यहाँ पे तो आपको कलर पैलेट मिल जाएगी, और कोई भी आप कलर चूज करोगे तो स्टाइल, स्टाइल में आपसे पूछेगा कि शेडिंग का जो आपका कलर है वो 5% आएगा, 10% आएगा, 15% आएगा, ये यहाँ पे आपको दिखा देगा कहाँ जाए अप्लाई होगा आपका, ये चार तरह से आपका जो सेल है, सेल के ऊपर जो भी अप्लाई करना है ये सेल का प्रीव्यू दिखाएगा, ठीक है। तो सेल के अंदर जो भी आपने अप्लाई करना है, फिल कौन सा कलर आपने डालना है, स्टाइल 5% शेडिंग, 10% शेडिंग या 15% शेडिंग, जैसे आपका रेड कलर चूज करते हो उसके अंदर आपने कौन से व्हाइट कलर मिक्स कर दिया तो वो परसेंटेज आ गया, शेडिंग का स्टाइल चेंज हो गया, शेडिंग मतलब आप जो स्केच से भरते हो, ठीक है, शेडिंग मतलब इसके बैकग्राउंड में कौन सा कलर आप डाल सकते हो। दिस इज अवर प्रॉपर्टीज ऑफ टेबल्स, हाउ वी कैन सेट वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ टेबल इन एमएस वर्ड 2007। अब इसके लिए आपके एक्सरसाइज क्या होंगे कि आपने एक टेबल बनाना है, उस टेबल के अंदर क्या करना है, आपने टेबल बनाना है मंथ जनवरी के लिए, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया जनवरी, तो जनवरी में आपने यहां पे डालना है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और यहां पे जो भी आप लिखोगे ये सारा का सारा कलर होना चाहिए रेड कलर का होना चाहिए, और बाकी का जो आपका लिखा हुआ सारा कलर होना चाहिए ये ब्लू कलर का होना चाहिए, और यहाँ पे जितना भी है ये वाला सारा इसमें आपने कौन सा कलर भरना है शेडिंग में, इसमें शेडिंग में डिफरेंट कलर भरना है, ब्लू कलर भर सकते हैं, इसके अंदर रेड कलर भर सकते हैं, जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है ये टेक्स्ट का कलर है ये क्या होना चाहिए
टेक्स्ट कलर व्हाइट। तो मैं आपको इसके लिए एक्सरसाइज भी देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कैसे आपने बनाना है। क्रिएट अ टेबल, क्रिएट अ टेबल विथ सेवन रोज सेवन कॉलम, सेवन रोज एंड सेवन कॉलम। यू हैव टू ड्रा दिस। कैसे बनाओगे आप? माय डॉक्यूमेंट ओपन किया आपने, उसके अंदर एक एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर ओपन किया, एक डॉक्यूमेंट बनाया, डॉक्यूमेंट का नाम रख दिया कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर के आपने इंसर्ट टैब के अंदर गए, इंसर्ट टैब के बाद जाने के बाद टेबल के ऊपर क्लिक किया, उसके बाद बेनिफिट ऑप्शन आएगी इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल करने के बाद आपने नंबर ऑफ रोज डालनी है सात, नंबर ऑफ कॉलम डालने हैं सात, और ओके बटन दबा देना। जैसे ओके बटन दबाओगे आपके पास ये सात अलग अलग ऐसे कॉलम आ जाएंगे और सात अलग अलग रोज आ जाएंगे। सबसे पहले वाले में आप क्या लेना है? जनवरी। जनवरी के बाद आपने लेना है संडे के लिए, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ये लेने के बाद आपने कलर यहाँ पे देना है, इसके बैकग्राउंड का कलर देना है, जो शेडिंग डालना है वो डालना है रेड कलर का, और जो आपने टेक्स्ट का कलर है ऊपर टेक्स्ट का कलर रखना है व्हाइट, और जो आपने अलाइनमेंट रखनी है सेल की टेबल की अलाइनमेंट सेंटर अलाइनमेंट। जो टेक्स्ट लिखना है आपने मान लो जनवरी वाला शुरू हो रहा है वेडनेसडे से, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन। ये हमारे पास वेरियस डेज आ रहे हैं, तो वेडनेसडे को अब आपने संडे वाले जितने भी हैं इनको क्या कर देना है रेड कलर कर देना। जो आपने इसकी बैकग्राउंड कलर बनाया है ये कौन सा बनना है रेड, और यहाँ पे जितने भी कलर बनने हैं वो कौन से बनने हैं ब्लू। जो टेक्स्ट कलर है वो हमेशा व्हाइट रहेगा। जो ये सेल का शेडिंग है, सेल के शेडिंग में जाके आपने कौन से ऑप्शन चूज करनी है ब्लू, और जो टेक्स्ट का फोर कलर है जो टेक्स्ट का कलर देना है वो क्या देना है आपने व्हाइट। यहाँ पे जितने भी संडे आपके हॉलीडेज आएंगे इसके बैकग्राउंड में सारा आपने डालना है रेड, और जो टेक्स्ट कलर है वो क्या आएगा व्हाइट। टेक्स्ट कलर व्हाइट, और सबकी अलाइनमेंट क्या है वर्टिकल में, तीन तरह की अलाइनमेंट थी ना आपकी सेल की, सेल अलाइनमेंट कौन सी है सेंटर वाली, तो आपने इसको सेंटर में अप्लाई कर। ऐसे हमारे तीन तरह की थी टेबल की प्रॉपर्टी, इसको आपने रखना है सेंटर में, और रैपिंग को करना है अराउंड, बॉर्डर डालना है इसके ऊपर रेड कलर का बॉर्डर डालना है। Border of red color with green.